नमस्कार दोस्तों कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग ऑल गुड ऑल वेल सब कुछ ठीक है बढ़िया है बताएंगे चैट बॉक्स में फटाफट से आज का बच्चे जो हमारा सेशन है सीआरपीसी का मजेदार सेशन होने वाला है पहले ही बता दे रहा हूँ मजेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने अपनी लास्ट क्लास में एक चैप्टर शुरू किया था और वो था चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री देखो बच्चे चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री की इंपॉर्टेंस इस बात से है कि देखो एविडेंस क्या होगा क्या नहीं होगा व्हाट इज एक्सेप्टेबल व्हाट इज नॉट वो हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं पर बच्चे उतना ही नहीं होता है इनफैक्ट जजेस के लिए लॉयर्स के लिए उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन दी दी सर्कमस्टांसेस दी वेरी सर्कम स्टांसेज द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स जिसके अंदर वो एविडेंस को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं ना कि तुम्हें वकालत नहीं आती हम बोलते हैं ना ये जैसा आपको आता नहीं है दिस इज पॉइंट प्रोसीजरल एस्पेक्ट देखो बच्चे किसी भी लॉ के जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं केवल सब्सटेंस के पता होने से कुछ नहीं होता अगर आपको उसका प्रोसीजर नहीं पता खासकर जब आप लॉ बैकग्राउंड so, देखो अगर आप क्लाइंट हो तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बट इफ यू आर वॉन्टिंग टू बिकम अ जज और अ लॉयर और कभी भी किसी लीगल प्रोफेशन में जाना चाहते हो इट बिकम्स वेरी असेंशियल दैट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन दी प्रोसीजर एविडेंस के रिलेशन में प्रोसीजर एक ऐसा एरिया है जो बड़ा ही सावधानी बरतने के बाद ही समझ में आता है वैसे बड़ा आसान आई एम नॉट सी इट इज डिफिकल्ट इट इज वेरी सिंपल वेरी इजी वेरी लॉजिकल इट इज जस्ट कि आपको उसके इन एंड अराउंड कहानी बनानी पड़ती है कहानी बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है उन बच्चों को जिनका कोर्ट का एक्सपोजर है क्योंकि उन्होंने देखा है कहीं ना कहीं और थोड़ी सी मुश्किल आती है, I will, I will है। फिर दिक्कत आएगी दिक्कत तो आएगी पर कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है उन बच्चों को जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है पर इन एनी केस मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से आपको चीजें समझाऊं कि दोनों कैटेगरी के, के बच्चों को समझ में आनी चाहिए तो जहां तक बच्चे चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री की बात है जिसको हमने अपने लास्ट क्लास में शुरू किया था इसके बच्चे दो हैं इसका जो कॉम्पोनेट नंबर ए है वो बताता है मोड मोड का मतलब होता है तरीका किस बात का तरीका एविडेंस को लेने का रिकॉर्ड करने का राइट right? उसी को अभी हम जिक्र कर रहे हैं लास्ट क्लास में हमने प्रिलिमिनरी कुछ बातें पढ़ी थी 272 से लेकर 276 तक की कहानी पढ़ ली थी जिसमें हमने लैंग्वेज का जिक्र किया था और रिकॉर्ड का जिक्र किया था सबसे पहले तो ये जो मोड वाली प्रक्रिया है ना 283 पे आके रुक जाती है और 283 तक हमको कवर करना है दिस इज दी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर एजेंडा आसानी से हो जाएगा बिल्कुल परेशानी होने की दिक्कत नहीं है आपको कोई परेशानी होना फिर जो सेकंड कॉम्पोनेट है बच्चे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव मीन है अब किस बात का मीन है मैं समझाऊंगा आपको वो बात करता है बच्चे के के बारे में विटनेसेस एग्जामिनेशन को लेकर कमीशन इशू करता है कोर्ट उसके बारे में है हो सकता है आपने कभी सुना भी ना हो इसको बट वट एवर बी दिचुएशन मैं आपको समझा दूंगा तो इसकी कहानी शुरू होती है बच्चे 284 से एंड इट गोज 99 ठीक है दो तक जाती है पर आप ऐसा मतलब इतने सारे सेक्शन है कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो नाम मात्र के हैं एक सेकंड एक सेकंड तो बहुत कम बोल दिया मतलब एक मिनट लगेगा कुछ हैं जिनमें हमको टाइम देना पड़ेगा चलो वट एवर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा एजेंडा खत्म कर सके उतना करेंगे अदरवाइज कोई परेशानी की बात नहीं है तो सबसे पहले मोड ऑफ एविडेंस वाले बात को उसको पहले खत्म कर लेते हैं तो बच्चे अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन टू तक चर्चा कर ली थी अब हम शुरू करेंगे सेक्शन टू से अब देखो जो सेक्शन 277 है हमारा वो बात करता है लैंग्वेज की देखो अगर आपको याद हो थोड़ा सा इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप क्लास लेने आओ तो हल्का सा रिवाइज करके आओ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था फिर भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूं टू सेवेंटी और टू इन तीनों सेक्शन के अंदर बच्चे हमने रिकॉर्ड की बात करी थी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इसमें सम्मन केस के लिए इसमें वारंट केस बाय दी मजिस्ट्रेट इसमें वारंट केस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इस तरीके से कैसे रिकॉर्ड बनाया जाता है क्या क्या जिम्मेदारी है जज साहब की वो सब हमने समझा था 277 में उसी रिकॉर्ड के के जो हम 274, 75 और 76 के अंदर बना रहे हैं उसी की भाषा की बात हो रही है लैंग्वेज की बात हो रही है आप बच्चे एक बात पे ध्यान देना इस चैप्टर के अंदर काफी प्रोविजन ऐसे आएंगे जो लैंग्वेज के बारे में होंगे लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है बच्चे प्रोसीजर का क्योंकि लैंग्वेज का सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल बहुत डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसिस लेके आ सकता है इसलिए हमको प्रायोरिटी देनी पड़ती है ध्यान से देखना बड़े ध्यान से समझना तो जब भी कोई भी एविडेंस लिया जा रहा है सेक्शन दो या दो के अंदर अभी मैं मैंने आपको तीन सेक्शन बताए थे 74, 75 और 76 पर सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली 75 और 76 की बात की हो रही है क्योंकि 274 सेवेंटी फोर सम्मन केसेस के बारे में और संबंध केसेस में प्रक्रिया बच्चे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती 275 और 76 सेक्शंस हैं हैं मतलब हैं जिसमें वारंट केसेस होते होते मतलब कंपैरेटिवली सीरियस ऑफेंसेस वहां पे ये जो लैंग्वेज वाली बात है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है तो देखें क्या है ये लैंग्वेज वाली बात बहुत ध्यान से देखना बच्चे हम बात कर रहे हैं विटनेस की मतलब गवाह की और जब भी मैं ये एक्सप्रेशन यूज करता हूं ना विटनेस इट कैन बी एनी विटनेस ये प्रसिक्यूशन साइड का भी विटनेस हो सकता है बच्चे ये side का भी विटनेस हो सकता है तो ये जो रूल्स हम पढ़ेंगे witness के relation में, ठीक है? अब देखो अगर कोई विटनेस है जो एविडेंस दे रहा है अगर उसके एविडेंस देने की भाषा वही है जो कोर्ट की भी भाषा है जो कोर्ट की भाषा है वही एविडेंस देने वाले विटनेस की भी भाषा है तो तो कोई परेशानी नहीं है उसका एविडेंस उसी भाषा में लेना चाहिए देखो कोर्ट की क्या भाषा होगी क्या नहीं होगी इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ठीक है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बताती है कि लोअर कोर्ट्स के अंदर व्हाट वुड बी दी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट अब हर जगह पे अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन डोमिनेंट लैंग्वेज तो फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट है मानो जिस कोर्ट की लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है मराठी ठीक है फॉर एग्जाम्पल मराठी है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और वो जो विटनेस है वो भी मराठी है और वो जो गवाही दे रहा है वो मराठी भाषा में ही दे रहा है तो कोर्ट की लैंग्वेज भी मराठी है एस पर द स्टेट गवर्नमेंट और जिस भाषा में स्टेटमेंट दी जा रही है वाई विटनेस वो भी मराठी है फॉर एग्जाम्पल तो दिस इज दिचुएशन जो इस ए पॉइंट के अंदर गिर रहा है तो तो कोई परेशानी नहीं है वही जो मराठी में दी जा रही है एविडेंस उसी में स्वीकार कर लेंगे मराठी हो अब हिंदी भी हो सकती है इसकी जगह जैसे कोर्ट की लैंग्वेज है हिंदी है जैसे यूपी वगैरह के एरिया में जाओगे आप और जो एविडेंस दिया जा रहा है वो भी हिंदी में कोई परेशानी नहीं है ए लगेगा हिंदी में ही एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो भी बच्चे कभी यूपी में गए हैं प्रैक्टिस जिन्होंने किया है या फिर नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादातर में तो आपको ये देखने को मिलता है तो यहां पे कोई परेशानी नहीं होती अगर लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और लैंग्वेज ऑफ द विटनेस अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है पर दिक्कत कब से आती है दिक्कत आती है जब जब कोर्ट की जो लैंग्वेज है कोर्ट की जो भाषा है वो दूसरी है और जिस भाषा में विटनेस एविडेंस दे रहा है वो दूसरी है जब डिफरेंस आ जाता है कोर्ट की भाषा में और विटनेस की भाषा में मानो कोर्ट की भाषा है मराठी विटनेस की भाषा है हिंदी या कि कोर्ट की भाषा है हिंदी और विटनेस मराठी है उसको हिंदी नहीं आती राइट right? अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो बड़े ध्यान से सुनना सबसे पहले तो हमको यही कोशिश करनी डेस्पाइट दी फैक्ट ध्यान से सुनना बच्चे बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाए हैं कि विटनेस की लैंग्वेज अलग है कोर्ट की लैंग्वेज से अगर फिर भी ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल है मतलब प्रैक्टिकेबल है कि जिस भाषा में विटनेस एविडेंस दे रहा है उसी भाषा में उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है तो तो उसे उसी भाषा में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कहने का मतलब है कि अगर कोर्ट की भाषा हिंदी है फॉर एग्जाम्पल विटनेस मराठी में दे रहा है अगर यह प्रैक्टिकेबल है कि उसकी गवाही मराठी में ही लिखी जा सकती है तो तो उसको मराठी में ही लिखा जाना चाहिए अब यह कैसे पता चलेगा कि प्रैक्टिकेबल है या नहीं इट डिपेंड्स वैसे तो मेन जिम्मेदारी रिकॉर्ड बनाने की जस साहब पे ही है अगर जस साहब को मराठी आती है तो वो रख सकते हैं या फिर उनके किसी स्टेनो आती है या कोई भी ऑफिसर अवेलेबल है जिसके थ्रू वो एज इट इज स्टेटमेंट लिखी जाती हैं लिखी जा सकती हैं तो तो कोई परेशानी नहीं है तो जो जिस भाषा में दिया जा रहा है भाई दी बिटनेस वही भाषा में उसका एविडेंस हम लिख लेंगे पर अगर ऐसा हो जाए कि किसी वजह से यह प्रैक्टिकेबल ना रहे मतलब जिस भाषा में विटनेस एविडेंस दे रहा है उस भाषा में उसका लिखा जाना मुमकिन ना हो मानो जैसे आपको मराठी ना आती हो कोई भी बंदा मौजूद ना हो जिसको जिसपे मतलब जैसा आप डेलीगेट कर सके उस काम को उसको मराठी ना आती हो तो ऐसे में भी एक प्रक्रिया पॉसिबल है कि वो बंदा एविडेंस तो मराठी में ही देगा ऑब्वियसली वो हिंदी बोलना तो सीख के नहीं आएगा एविडेंस वो मराठी में ही देगा पर उसके एविडेंस का ट्रू ट्रांसलेशन बनाया जाएगा ट्रू ट्रांसलेशन अभी ट्रू ट्रांसलेशन क्या होता है ट्रांसलेशन तो सुना है ट्रू ट्रांसलेशन क्या होता है ट्रू ट्रांसलेशन होता है कि हम क्या करेंगे एक ट्रांसलेटर को बिठाएंगे जिसको मराठी आती होगी वो उस एविडेंस को सुनेगा मराठी भाषा में और उसको ट्रांसलेट करके लिखेगा हिंदी भाषा में और ये जो ट्रांसलेशन है इसको ऑथेंटिकेट करेंगे मजिस्ट्रेट साहब कि उनके सामने ये सब प्रक्रिया हुई है और उनको भरोसा है कि जो भी कुछ है वो सच है सही है कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं है वो हस्ताक्षर करेंगे तो यही जो है इसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या ट्रू ट्रांसलेशन बनाना ट्रू ट्रांसलेशन का मतलब है लिटरल कॉपी बनाना जिसमें ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी केवल इतनी सी है कि जो विटनेस बोल रहा है उसको ही लिखना है अपनी तरफ से कोई भी एडिशन कोई भी सबसे या एक्सप्रेशन को इंप्रूव करना ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं उसको केवल एक माध्यम की तरह काम करना है कि दैट दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट सिंपल ठीक है तो अगर ऐसा हो जाए कि कोर्ट की भाषा और विटनेस की भाषा अलग अलग हो जाए तो दो रास्ते हैं अगर यह पॉसिबल है कि विटनेस की भाषा में ही एविडेंस को रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा क्या ही होगा पर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी चाहिए ठीक है क्या चाहिए ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी तो हमने अभी पढ़ा बी के अंदर दो ऑप्शन है अगर ऐसा हो जाए कि कोर्ट की भाषा अलग और विटनेस की भाषा अलग देखो अगर दूसरी वाली स्थिति बनी कि प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाया और आपको ट्रांसलेटर बिठाना पड़ा तो तो आपके पास ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी आ ही जाएगी कोई परेशानी है ही नहीं पर मानो ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें पहला वाला रास्ता चुना जाए कि भले ही कोर्ट की भाषा अलग है विटनेस की भाषा अलग है फिर भी विटनेस को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो अपनी भाषा में एविडेंस दे और उसी भाषा में उसका एविडेंस रिकॉर्ड भी किया जा रहा है मानो मराठी में दे रहा है तो मराठी में ही उसका एविडेंस रिकॉर्ड भी किया जा रहा है उसको वहीं के वहीं ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा तो ऐसी परिस्थिति में भी जब वो एविडेंस पूरा रिकॉर्ड हो जाता है उस एविडेंस का एक ट्रू ट्रांसलेशन बनाया जाता है फर्क है दोनों में जो बी के अंदर दूसरी स्थिति है जब प्रैक्टिकेबल नहीं है और जो पहली स्थिति है दोनों में फर्क है दूसरी स्थिति के अंदर एग्जामिनेशन को चलते चलते हम उसकी ट्रू ट्रांसलेशन की कॉपी बना रहे हैं वहीं के वहीं क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाया कि उसी भाषा में उसको लिखा जा सके पर यहां पर पहली वाली स्थिति में जब उसको उसी भाषा में हम लिख रहे हैं पहले लिख रहे हैं मतलब एग्जामिनेशन पूरा हो गया उस एग्जामिनेशन के पूरे होने के बाद फिर उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी बनवा रहे हैं इट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन और यहां पर भी जब ट्रू ट्रांसलेशन बन जाएगा तो वो जज साहब हैं जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे ऐसा क्यों है हमने यहां पे उसका ट्रू, ट्रू ट्रांसलेशन क्यों बनवाया क्योंकि बच्चे वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनाना पड़ेगा ना आपको स्टेटमेंट को और कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनाना है तो ऑब्वियसली जो कोर्ट की भाषा है उसी में वो डॉक्यूमेंट को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है ठीक है तो कहने का मतलब है देर कैन बी थ्री सकम तीन सिचुएशन हो सकती हैं इन ऑल जब बात आती है लैंग्वेज की लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द एवीडेंस पहली परिस्थिति सबसे आसान होती है जब सेम होती है लैंग्वेज कोर्ट की भी भाषा सेम होती है और विटनेस की भी भाषा सेम होती है तो कोई परेशानी नहीं जब अलग-अलग होती है कोर्ट की भाषा अलग और विटनेस के एग्जामिनेशन की भाषा अलग वहां से दो रास्ते निकलते हैं पहले में जिस जो विटनेस की भाषा है उसी में एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड कर दो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही और दूसरे में होता है कि उसका साथ के साथ ही ट्रू ट्रांसलेशन बनाते चलो ये तब होता है जब प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाता ओरिजिनल भाषा में लिखने के लिए अगर ओरिजिनल भाषा में ही एग्जामिनेशन को लिया है तो इसको भी आगे चल के आपको ट्रू ट्रांसलेशन इसका बनवाना ही पड़ता है बस फर्क ये कि यहां पे ओरिजिनल एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ऐसा होता है इसमें उसी के दौरान ऐसा होता है दी ओनली डिफरेंस ठीक है हाँ, ठीक है बस एक इंग्लिश के बारे में इंग्लिश भाषा के बारे में एक एक्सेप्शन बनाया गया है अगर एविडेंस क्लॉस बी के अंदर इंग्लिश में लिया गया है मानो कोर्ट की भाषा है हिंदी और विटनेस ने जिस भाषा में आ, अपने गवाही दी है वो है इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है और वो जो इंग्लिश भाषा है वो समझ में आ रही है इट इज अंडरस्टैंडेबल बाई दी कोर्ट बाई दी अदर पार्टी तो फिर इसका ट्रू ट्रांसलेशन बनाने की जरूरत नहीं होती है ये केवल इंग्लिश के बारे में है जैसे मराठी वाला बंदा है उसने भले ही अपना एग्जामिनेशन मराठी में दे दिया पर ये जरूरी है कि उसका ट्रू ट्रांसलेशन बनेगा ही बनेगा पर अगर कोई बंदा इंग्लिश वाला है और उसने अपना एग्जामिनेशन इंग्लिश में दिया इस बात के बावजूद कि कोर्ट की भाषा फॉर एग्जाम्पल हिंदी है तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का ट्रू ट्रांसलेशन बनाया जाए क्योंकि इंग्लिश माना जाता है कि नॉर्मल में कोर्ट को और अपोजिट पार्टी को समझ में आ जाएगी डिस्पाइट दि फैक्ट दैट ट्रू ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है तो जरूरी नहीं है ट्रू ट्रांसले बनवाने को बनवा सकता है कोर्ट कोर्ट की मर्जी हो जाती है अगर उसे ऐसा लगता है कि पार्टी नहीं समझ पाएगी या उसको नहीं समझ में आ रहा तो वो बनवा भी सकता है पर अगर ऐसा जरूरी नहीं लग रहा है उसको इंग्लिश में लग रहा है उसका काम हो जाएगा तो वो नहीं बनवाएगा तो इंग्लिश को थोड़ा सा प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है इन कंसिडरेशन टू अदर लैंग्वेजेस वहां पर बाकी लैंग्वेजेस में आपको ट्रू ट्रांसलेशन बनवाना ही बनवाना पड़ता है ठीक है तो ये हो गई बच्चे लैंग्वेज वाली बात कि जब भी एविडेंस के रिकॉर्ड की हम बात करेंगे और उस कोर्ट की भाषा का जब भी क्लैश होगा उसके साथ सो दीज आर दी सेकमस्टांसेस जो पिक्चर में आ सकती हैं ठीक है थेके? तो ये लैंग्वेज की बात हो गई इसके बाद जो अगला सेक्शन है बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये बताता है प्रोसीजर देखो प्रोसीजर बता रहा है किसके बारे में एविडेंस के बारे में और कौन सी स्थिति में जब वो कंप्लीट हो जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं एक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है एविडेंस के रिकॉर्ड होने के दौरान जैसे भाषा वाली बात हो गई और एक एविडेंस जैसे रिकॉर्ड वाली बात हो गई और एक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है वंस यू आर डन विद द प्रोसेस वंस यू आर डन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस जो पोस्ट फैक्टो प्रोसीजर है दैट इज हियर और ये प्रोसीजर बच्चे बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होता है इसमें कोई भी की गई गड़बड़ कई बार पूरे ट्रायल को विटिलेट कर देती है इसलिए इसको हमको बड़ा ध्यान से समझना पड़ता है ध्यान से देखना बच्चे एक बार जब विटनेसेस की गवाही हो गई उनका एविडेंस हो गया उसका रिकॉर्ड बन गया दो के अंदर दो के अंदर जब ये पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो गई उसके बाद बच्चे ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं ये जिम्मेदारी होती है ये जिम्मेदारी होती है कोर्ट ऑफ लॉ की कि वो एंश्योर करे कि किसी भी विटनेस के द्वारा दिया गया जो भी एविडेंस है मतलब जो भी उसके एग्जामिनेशन है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा किसको पढ़ के सुनाया जाएगा उस विटनेस को खुद बड़ा ध्यान से सुनना बच्चे जिस विटनेस ने वो गवाही दी है वो एविडेंस दिया है उसको वो पहले पढ़ के सुनाया जाएगा और इतना ही नहीं जब ये प्रक्रिया हो रही होगी उस समय पर या तो एक्यूज़ खुद या तो खुद या फिर उसके वकील साहब मौजूद होने चाहिए मतलब विटनेस से एक बार गवाही दे दी जब वो पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया फिर उसको पढ़ के सुनाएंगे कि भाई आपने ये गवाही दी है और इस दौरान एक्यूज या फिर उसके वकील का मौजूद होना जरूरी है और इतना ही नहीं बच्चे इतना ही नहीं ये जो एग्जामिनेशन है विटनेस का जब उसको पढ़ के सुनाया जा रहा है अगर उसको पढ़ के सुनाते वक्त अगर उसमें लगता है कि कोई भी गलती हो गई है कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है मानो कोई प्रॉपर्टी को साइट कर रहा था कोई विटनेस उसने गलत नाम ले दिया गलत नंबर ले दिया फॉर एग्जाम्पल किसी ना व्यक्ति का नाम गलत ले दिया कुछ भी ऐसी दिक्कत हो गई जिसके बारे में करेक्शन होना जरूरी है तो उस करेक्शन को भी किया जा सकता है पर अभी कहानी बड़ी नहीं खत्म नहीं हुई है बच्चे बड़ा खतरनाक चीज है ये वाले काम ये बहुत होता है और ये देखना बच्चे बड़ा महत्वपूर्ण है मानो किसी विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ अब उस विटनेस को वो उसकी गवाही पढ़ के सुनाई जा रही है मौजूद है या फिर उसका प्लीडर मौजूद है और वो विटनेस को जब वो उसकी गवाही पढ़ के सुनाई जा रही है अब वो पीछे हट रहा है वो कह रहा है कि नहीं 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 मैंने तो ये बोला ही नहीं ये तो गलत है ये तो झूठ है ये तो गलत है मतलब वो खुद से ही अपने एग्जामिनेशन के करेक्टनेस को डिनाय कर रहा है मैंने तो यह बोला ही नहीं था यह कैसे लिख दिया मैंने तो यह कहा ही नहीं था अरे मैंने ये नहीं बोला अरे मैं तो वो कहना चाह रहा था अरे मेरा मतलब तो वो था तो यहां पर जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो हमारे जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर है मतलब जज साहब है या मजिस्ट्रेट है जो भी है उनके पास बेहद इंपॉर्टेंट पावर होती है अगर उनको लग रहा है कि विटनेस जिस भी गलती के बारे में बोल रहा है जिसकी भी अपनी स्टेटमेंट की करेक्टनेस को वो चैलेंज कर रहा है अगर वो लग रहा है कि वो बोनाफाइड मिस्टेक है मतलब ऐसी गलती है जो हो गई होगी स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा या कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो, तो हो सकता है कि जस्सा साहब उसे अलाउ कर दे कि भाई ठीक है ये, ये करेक्ट कर दो इसको या फिर इस बात को हटा दो ऐसा हो सकता है पर ये बात याद रखिएगा बच्चे मजिस्ट्रेट साहब या फिर जज साहब ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं है आप फोर्स नहीं कर सकते विटनेस फोर्स नहीं कर सकता जज साहब को या मजिस्ट्रेट साहब को कि इस लाइन को हटाओ या इसको सही करो अगर आपने एक बार कोई बात अपने मुंह से निकाली एज अ विटनेस और एक बार वो कोर्ट का रिकॉर्ड का पार्ट बन गई अंडर सेक्शन 275 और उसके बाद डिस्पाइट वापस हटना चाह रहे हो जरूरी नहीं है कि ऐसा करने को आपको अलाउ करेगा कोर्ट ऑफ लॉ भले ही वो आपकी स्टेटमेंट है फिर भी कोर्ट उसमें बदलाव करने से या किसी भी चीज को रिमूव करने से बिल्कुल मना भी कर सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है हाँ, पर एक बात जरूर है कि अगर कोर्ट मना कर रहा है और विटनेस के हिसाब से करेक्शन नहीं कर रहा है इसके एग्जामिनेशन में तो इस बात को वो लिखेगा उसी स्टेटमेंट के अंदर कि ये पर्टिकुलर लाइन है या ये पर्टिकुलर बात है या ये पर्टिकुलर पैरा है जिसमें विटनेस ने ऑब्जेक्शन उठाया था और वो चाहता था कि इसको हटा दिया जाए या बदल दिया जाए इस बात को स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा हटाएंगे नहीं अगर मजिस्ट्रेट साहब नहीं चाहते तो नहीं हटेगा वो रिकॉर्ड का पार्ट रहेगा पर लंबा समय हो जाता है ना तो उनको याद आ जाए कि इस बात पर विटनेस ने ऑब्जेक्शन उठाया था तो उनके दिमाग में रहे ये बात फॉर दैट रीजन वो चाहे तो उस ऑब्जेक्शन को रिमार्क्स के अंदर उसी स्टेटमेंट में लिख सकते हैं पर हटाने के लिए वादिन मैंने लोगों को रोते हुए देखा है बच्चे कोर्ट में विटनेस रोने लगता है देखो बच्चे कोर्ट में गवाही देना मजाक की बात नहीं है जब भाई आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना इनफैक्ट री में भी आधे री और मैं क्या कह रहा हूँ एग्जामिनेशन चीफ में भी आधे रो जाते हैं आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा ही लेते हैं वकील कुछ ही लोग हो जाते हैं होते हैं जो कोर्ट में जा जाकर ट्रेंड हो जाते हैं वरना कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा ना नहीं स्टैंड कर पाता वो प्रेशर अब वो निकल आती है सच्चाई फिर वो पीछे भागते हैं उससे किसी भी वजह से बड़ा मुश्किल होता है इसीलिए मजिस्ट्रेट साहब को ये पावर दी गई है कि एक बार कोई चीज रिकॉर्ड में चली गई वो फिर मजिस्ट्रेट साहब के कंट्रोल के अंदर चली गई उनकी मर्जी के बिना उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता वो अलाउ करेंगे तो होगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा पर हाँ रिमार्क्स लिख देंगे जिससे कल को अपील में जाए तो अपीलेट कोर्ट को पता रहे कि यार ऑब्जेक्शन उठाया गया था उनको खुद को पता रहे कल को जजमेंट सुनाएंगे जब ठीक है अबाउ सबसे अगर जो एविडेंस का रिकॉर्ड देख रहे हो लैंग्वेज वाली बात फिर से आ रही है अगर जो एविडेंस का रिकॉर्ड है अगर जो एविडेंस का रिकॉर्ड है उसकी जो भाषा है मतलब विटनेस ने जो एविडेंस दिया है उसकी जो भाषा है वो अलग है मतलब विटनेस ने जिस भाषा में एविडेंस दिया था वो मराठी थी पर वो कोर्ट की भाषा नहीं थी उसकी वजह से उसका ट्रू ट्रांसलेशन बनाया गया था तो विटनेस जो रिकॉर्ड आखिरी में निकल के आया है मानो वो ट्रांसलेटेड कॉपी है हिंदी में है मराठी को ट्रांसलेट किया गया हिंदी में ऐसी स्थिति है तो पढ़ के सुनाना पड़ेगा पर वो तो हिंदी में है पढ़ के कैसे सुनाओगे आप उसको मानो हिंदी आती नहीं है विटनेस तो मराठी में दी थी गवाही वो तो आपको लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि उसका आप मराठी में ले पाओ टू सेवेंटी के अंदर फॉर दैट रीजन आपने उसका हिंदी में ट्रू ट्रांसलेशन करवा लिया था पर अब आप उसको पढ़ के सुनाओगे तो तो वो ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी सुनाओगे ना क्योंकि आपके पास तो वही है वो तो हिंदी में है मानो से हिंदी समझ में नहीं आती तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आप पढ़ के सुनाते हो विटनेस को तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि पढ़ के सुनाते वक्त उसको समझाए उसकी खुद की भाषा में कि क्या गवाही दी है उसने तो भले ही मेरे पे हिंदी ट्रांसलेटेड कॉपी है पर मैं विटनेस को उसकी भाषा में समझाऊंगा कि आपने क्या बोला था जिससे वो समझ पाए कि असल में गवाही को क्या लिखा गया है और ऐसा करने के लिए अगर कोर्ट चाहे तो किसी इंटरप्रेटर की भी सहायता ले सकता है लैंग्वेज इंटरप्रेटर की भी सहायता ले सकता है जो वो समझाएगा उस विटनेस को देखो ये ये बातें आपने बोली हैं और ये इस ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी में लिखी हुई ये बच्चे जो तीनों रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं सेक्शन के अंदर ये बेहद महत्वपूर्ण है अगर इनमें से एक के साथ भी गड़बड़ हो गई तो एक्यूज इस बात का बखेड़ा खड़ा कर सकता है और ऐसा भी पॉसिबल है कि उसका कन्विक्शन ना हो पाए क्योंकि वो जो एविडेंस है वो विटिलेट हो जाएगा ये बहुत जरूरी है कि किसी विटनेस की जिसकी आपने गवाही ली है उसको अपने विट गवाही को सुनने का मौका मिले और उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेस करने का मौका मिले एंड दर गया तो आप सभी की जिम्मेदारी है एक बार सेक्शन 278 को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा धीरे धीरे जरूर पढ़ें अब 278 में तो हमने रीडिंग ओवर वाली बात समझ ली कि विटनेस ने गवाही दी है उसको पढ़ के सुना दिया अब बच्चे जो सेक्शन 279 है देखो टू याद कैसे रखोगे साथ के साथ याद कर लो 278 किसकी बात करता है बच्चे विटनेस की गवाहों की कि गवाहों ने गवाही दी है और उनको पढ़ के सुना रहे हैं टू सेवेंटी एट में एक्यूज भी शब्द का इस्तेमाल किया था पर उस शब्द को क्यों इस्तेमाल किया था बस ये बोला था कि जब भी गवाह को गवाही सुनाएंगे उसकी पढ़कर वहां पर एक्यूज या उसका वकील मौजूद होगा बस इतनी सी बात बोली थी पर प्रीडोमिनेंटली सेक्शन 278 जो है वो फिटनेस के ही बारे में था इसी का बच्चे जो अगला सेक्शन है ना 279 ये किसके बारे में है एक्यूज के बारे में किसके बारे में है एक्यूज के बारे में या उनके वकील साहब के बारे में ठीक है तो 279 का पर्पज क्या है एक्यूज पर्पज से ही ये दोनों सेक्शन अलग होते हैं देखना अगर कोई भी एविडेंस दिया जाता है जो ऐसी भाषा में है जो भाषा एक्यूज को नहीं समझ में आती है या फिर अभी वकील वाली स्थिति चलो मैं आपको अगले टुकड़े में बता दूंगा अभी मानो किसी भी विटनेस ने कोई गवाही दी है उसको वो पढ़ के सुनाई जा रही है तो 278 तक तो हमारी चिंता ये थी कि वो विटनेस को समझ में आ रही है या नहीं मानो ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी हमने हिंदी में बनाई थी अब उसको हिंदी नहीं समझ में आ रही थी तो हम उसको इंटरप्रेट करके बता रहे थे कि भाई आपने क्या बोला है पर मानो ऐसा हो जाए कि एक्यूज को भी ना समझ में आ रहा हो तो मानो एक्यूज को भी हिंदी ना आती हो तो तब टू सेवेंटी नाइन पिक्चर में आएगा अगर कोई भी एविडेंस है जो ऐसी भाषा में दिया जा रहा है या जिसके बारे में कंप्लायंस हो रही है सेक्शन टू के अंदर जिसको रीड ओवर किया जा रहा है विटनेस के साथ जो एक्स को समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो एक्यूज को समझाए उसकी भाषा में जो उसको समझ में आती हो कि उसके खिलाफ क्या एविडेंस बोल रहा है कोई गवाह क्या बोल रहा है की जिम्मेदारी होती है कोर्ट की तो अगर कोई भी एविडेंस रिलेटेड प्रोसेस चल रहा है कोर्ट के अंदर किसी भी भाषा में चाहे वो कोर्ट की भाषा हो चाहे ना हो जो एक्यूज़ को समझ में नहीं आ रही है व्हाट इज इंपोर्टेंट इज कि एक्यूज को नहीं समझ में आ रही है तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था करे कि को उसके खिलाफ आने वाला एविडेंस समझाया जा सके क्योंकि बच्चे उसी हिसाब से तो वो अपना डिफेंस तैयार करेगा राइट ऑडियल पार्टम का प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा अगर उसके अपने खिलाफ अपना एविडेंस ही नहीं समझ में आएगा कैसे उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा कैसे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा भाई राइट right? अगर ऐसा हो जाए कि एक्यूज अपने वकील साहब को भी लाया है और ऐसी परिस्थिति में वो जो एविडेंस है वो कोर्ट की भाषा में नहीं है ध्यान से देखना दोनों में फर्क है अभी मैं बताऊंगा आपको वकील साहब की सिचुएशन में थोड़ा सा फर्क है वकील साहब की सिचुएशन में क्या देखते हैं हम कि जो एविडेंस है वो कोर्ट की भाषा में नहीं है और वकील साहब को समझ में भी नहीं आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो उस एविडेंस को उन वकील साहब को समझाएं मतलब वही जिम्मेदारी जो एक्यूज के बारे में थी समझाने की वही जिम्मेदारी उसके वकील साहब के भी बारे में बस एक्यूज और वकील साहब में इतना सा फर्क है कि जब एक्यूज को समझाने की बात आएगी तो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि वो जो एविडेंस है जो वकील जो एक्यूज को नहीं समझ में आ रहा है वो कोर्ट की भाषा में है या नहीं वो बस इतना सा देखेंगे कि एक्यूज को समझ में आ रहा है या नहीं अगर एक्यूज को नहीं समझ में आ रहा इस बात के बावजूद कि वो कोर्ट की ही भाषा में है फिर भी एक को समझाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी पर अगर मामला वकील साहब का है तो वहां पर कोर्ट ये भी देखता है कि वो जो एविडेंस है वो कोर्ट की भाषा में है या नहीं अगर वो कोर्ट की भाषा में ही है एविडेंस तो फिर वकील साहब को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो वकील साहब हैं और केस लड़ रहे हैं उस कोर्ट में तो ये माना जाता है कि उनको वो भाषा आती ही होगी उनको समझाने की परिस्थिति तभी आएगी जब एविडेंस ना ही कोर्ट की भाषा में है और ना ही वकील साहब को समझ में आ रहा है ठीक है जब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगे तब वकील साहब को समझाने की व्यवस्था करनी पड़ती है ठीक है ठीक है जहां तक बात डॉक्यूमेंट्स की है दस्तावेजों की है। अब देखो कोई भी विटनेस है वो गवाही भी देता है कोई भी विटनेस हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स लाया हो दस्तावेज लाया हो प्रोजिक्यूशन साइड लाई हो तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट की यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के सुनाए एक्यूज को या समझाए बिठा के उसके वकील साहब को ऐसी परिस्थिति में कोर्ट सिंपली उस हद तक उस डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दे सकता है जितना कोर्ट को जरूरी लगे मतलब ऐसा बोल सकता है ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है बीस पेज का डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि बीसो पेज पढ़ के सुनाएगा कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट ये बता देगा दैट दिस इज जो आया है भाई और इसका इफेक्ट ये है इसका पर्पस ये है मतलब इतना जितने से एक्यूज को अंदाजा लग जाए इतना काफी है ठीक है वरना तो बहुत समय निकल जाएगा इतने मोटे मोटे गट्टर बन जाते हैं तो कहने का मतलब है सेक्शन 279 के अंदर हमने देखा जहां पर एक्यूज और उसके वकील साहब का ध्यान रख रहा है अगर एक्यूज को नहीं समझ में आ रहा है उसके खिलाफ का एविडेंस या फिर उसके प्लीडर को नहीं समझ में आ रहा है अगर वो कोर्ट की भाषा में नहीं है तो उनको समझाने की व्यवस्था करनी होती है ये 279 है और टू किसके बारे में बिटनेस के बारे में अब आता है बच्चे सेक्शन 280 सेक्शन 280 सबसे अलग है सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों है क्योंकि यह बात करता है बच्चे डिमीनर ऑफ विटनेस की बच्चे जब भी कोई विटनेस जब भी कोई विटनेस कोर्ट के अंदर आता है ना गवाही देने तो केवल यह मैटर नहीं करता कि वो अपने मुख से क्या बोल रहा है ये तो मैटर करता ही करता है कि उसकी गवाही क्या है उसका एविडेंस क्या है उसने क्या बोला इसके साथ साथ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि ये सब करते वक्त उसका हाव भाव क्या था उसका बॉडी लैंग्वेज क्या था उसका डिमीनर क्या था उसका टेम्पर कैसा था बॉडी लैंग्वेज वो भी बहुत कुछ बोल देती है केवल हमारा मुख नहीं बोलता हमारी आंखें हमारा भय हमारा शरीर हमारा कंडक्ट इट ऑल्सो टॉक्स अ लॉट तो जहां हम सेक्शन 278 के अंदर मुख से बोली गई बातों की चर्चा कर रहे हैं किसी विटनेस के सेक्शन 280 के अंदर उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके कंडक्ट की बात करते हैं मतलब डिमीनर की बात करते हैं डिमीनर बच्चे कोर्ट ऑफ लॉ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कल को अगर आप लोग भी जज बनोगे तो ओवर टाइम आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे और आप लोगों को देख के बता सकोगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है जस्ट बाय लुकिंग एट देम ऐसे मैंने देखा है इसलिए डिमीनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो सेक्शन 280 के अंदर ये स्पेशल पावर दी गई है प्रोसाइडिंग ऑफिसर को फिर वो चाहे जज साहब हो चाहे मजिस्ट्रेट साहब हो वो जब भी किसी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं वो सब तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं जो बोला जा रहा है उस विटनेस के द्वारा उसको तो उन्हें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा पर वो चाहे तो जरूरी नहीं है ऐसा करे ही करें अगर वो चाहे तो उस विटनेस के डिमीनर के बारे में रिमार्क्स को भी लिख सकते हैं उसके एविडेंस के अंदर कि उन्हें क्या लगता है कि हमारे इस विटनेस का कैसा कंडक्ट था उन्हें क्या लग रहा था कि वो डर रहा था घबरा रहा था बार बार अपनी बात से हट रहा था बार बार पानी पी रहा था बार बार भयभीत हो रहा था बच रहा था सवालों से तो डिबीना के बारे में रिमार्क्स लिख सकते हैं अब ये जो रिमार्क्स होंगे बच्चे ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों परस्पेक्टिव के लिए क्योंकि वो जज साहब खुद जब कल को फैसला सुनाने को बैठेंगे जब वो पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो उनको सबसे पहले याद आएगा कि अच्छा ये देखो ये विटनेसेस ने ये बोला था और इसके बारे में देखो मैंने ये लिखा है कल को मामला अगर अपील में भी गया तो वहां पे अपीलेट कोर्ट को भी सफिशियंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ये रिमार्क्स लिखे थे तो देर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन दिस सिचुएशन कई बार बच्चे ऐसा देखा है कि किसी व्यक्ति की पेपर पे टेस्टिमोनी बिल्कुल परफेक्ट है बिल्कुल रिलायबल लगती है पर अगर आप वहां मौजूद थे जब वो विटनेस दे रहा था गवाही आप एक सेकंड में कह सकते थे कि वो झूठ बोल रहा है सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिमिनर पर ये बच्चे ये जो डिमिनर का एविडेंस है डिमिनर के जो रिमार्क्स हैं इनका जो रोल है वो बड़ा लिमिटेड सा है ये केवल जज साहब के दिमाग में रोल प्ले करते हैं कि, कि किसी विटनेस की गवाही रिलायबल है या नहीं बस इस बात में हेल्प करते हैं वो अपने आप में कोई एविडेंस नहीं है ऐसा नहीं है कि उसके आधार पर किसी को सजा मिल जाएगी या नहीं मिलेगी वर्क एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं वो लोग जो किसी भी विटनेस पे भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए इस फैसले पे पहुंचने पे कोर्ट की मदद करते हैं फॉर दैट रीजन प्रैक्टिकली अगर देखें बच्चे अकेडमिकली तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर प्रैक्टिकली सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है अब मुझे जल्दी से बताओ आप सभी लोग सेक्शन 277, 280, सेवन टू एटी सेवेंटी क्लियर है सभी लोगों को से पूछा जाता है सेम मैनर से भी पूछा जाता है कि क्या उसको वो भाषा समझ में आती है या नहीं ऑब्वियसली तभी पता चलेगा ना ठीक है अब देखो अगला सेक्शन जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बच्चे वो है सेक्शन 281 ध्यान से देखना सेक्शन 274 के अंदर 275 के अंदर सेक्शन 276 के अंदर हम बात कर रहे थे रिकॉर्ड की याद है सभी को रिकॉर्ड की बात कर रहे थे केस में वारंट केस में मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट ऑफ के सामने सेक्शन 281 के भी अंदर हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं फर्क क्या है फर्क यह है कि 274, 275 और 276 के अंदर हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे थे वो विटनेस के एविडेंस का था विटनेस के एग्जामिनेशन का था और 281 के अंदर हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो एक अरे भाई एक्यूज का भी तो एग्जामिनेशन होगा उसका भी तो चीफ होगा उसका भी तो क्रॉस होगा उसका भी तो री होगा उससे नहीं पूछोगे कि तुम्हारा क्या कहना है वो बच्चे सेक्शन 281 के अंदर कवर होता है किसके अंदर सेक्शन 281 के अंदर ध्यान से देखना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा सेक्शन क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर मेरी बात को सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं जब भी किसी एक्यूज़ का एग्जामिनेशन होता है या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन होता है बच्चे जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में काम करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में काम करता है या फिर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जब हम मजिस्ट्रेट बोलते हैं मजिस्ट्रेट मतलब जो नॉर्मल एरियाज में काम कर रहा है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास फॉर एग्जाम्पल तो जब भी किसी एक्यूज का एग्जामिनेशन किया जाता है ईदो द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और बाय द मजिस्ट्रेट तो ये लोग क्या करते हैं इनको मेमोरेंडम बनाना होता है जिसमें वो सब्सटेंस लिखते हैं उस एग्जामिनेशन का कि भाई एक्यूज ने क्या क्या बातें बोली और ऑब्वियसली जो वो सब्सटेंस लिखते हैं वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में ही लिखते हैं जो कोर्ट की भाषा है उसी में लिखते हैं उस सब्सटेंस को जो भी एक्यूज ने बोला है और ये जो मेमोरेंडम है जिसमें एग्जामिनेशन लिखा हुआ है उस पे हस्ताक्षर हाँ भी करे जाते हैं अगर मेट्रोपॉलिटन तो मजिस्ट्रेट है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर नॉर्मल मजिस्ट्रेट है तो नॉर्मल मजिस्ट्रेट के द्वारा और जैसे ही ऐसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है हम मान लेते हैं कि ये जो मेमोरेंडम है ये रिकॉर्ड का पार्ट बन गया समथिंग लाइक टू सेवेंटी फोर टू सेवेंटी सिक्स वहां पर तो भी तो यही हो रहा था कि कोई विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा था उसका रिकॉर्ड बना रहे थे उसका मेमोरेंडम बना रहे थे और वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जा रहा था यहां पे बस एक्यूज है accused का बना रहे हैं और मेमोरेंडम क्रिएट करके उसमें साइन करके रिकॉर्ड का पार्ट बना दे रहे हैं ठीक है जब भी किसी एक्यूज का एग्जामिनेशन किया जाता है किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा देखो पहले के अंदर तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करी और नॉर्मल मजिस्ट्रेट की बात करी दूसरे के अंदर बोला जा रहा है कि जब भी किसी का एग्जामिनेशन किया जाता है किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है मानो ठीक है सीजेम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा मजिस्ट्रेट सॉरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को छोड़ के जब कोई दूसरा मजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है किसी भी एक्यूज को तो ऐसी परिस्थिति में जो मेमोरेंडम डेवलप किया जाता है ना बच्चे वो थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक होता है जिसमें हर एक सवाल जो पूछा गया उस एक्यूज़ को बाई दी मजिस्ट्रेट वो लिखा जाता है हर वो जवाब जो उस एक उस सवाल के बदले वो भी लिखा जा रहा है और ऐसा मजिस्ट्रेट को खुद ही करना होता है अगर वो किसी भी वजह से असक्षम है उसको खुद करने में तो कोर्ट का कोई ऑफिसर उसके बिहाफ पे उस काम को कर देता है ठीक है बस इतना सा है, और कोई परेशान नॉर्मल सिचुएशन में ध्यान से देखना बच्चे ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रोल सेक्शन 277 ने प्ले किया था ना विटनेसेस के रिकॉर्ड के बारे में वो रोल ये तीसरा प्ले करता है थर्ड थर्ड प्ले करता है एक्यूज के एग्जामिनेशन के बारे में ये बोलता है कि ये जो रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जा रहा है इधर बाय द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सीजीएम किसी के भी द्वारा वन के अंदर टू के अंदर आम तौर पर यह कोशिश करी जानी चाहिए कि वो रिकॉर्ड उसी भाषा में बनाया जाना चाहिए जो जिस भाषा में एक्यूज का एग्जामिनेशन हो रहा है तो पहली प्रायरिटी उसी भाषा को दी जाएगी जिस भाषा में एक्यूज अपनी गवाही दे रहा है फॉर एग्जाम्पल एक्यूज जो है वो अपनी गवाही दे रहा है मराठी में तो अगर उसकी एग्जामिनेशन को मराठी में लिखना प्रैक्टिकेबल है मजिस्ट्रेट साहब को मराठी आती है या फिर कोई इंटरप्रेटर मौजूद है जो उसको मराठी में लिख सकता है तो ऐसी परिस्थिति में तो कोशिश यही करनी है कि उसके एग्जामिनेशन उसी लैंग्वेज में लिखें पर अगर ऐसा पॉसिबल ना हो पाए तो ऐसी सिचुएशन में उसका एग्जामिनेशन कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा मानो हिंदी है कोर्ट की भाषा तो हिंदी में लिखा जाएगा भले ही उसका एग्जामिनेशन मराठी में हुआ कैसे वही ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी वही पैटर्न वही है देखो बच्चे कंफ्यूज मत होना लैंग्वेज आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी पर मैं आपको बता दूं कोई फर्क नहीं है जो बातें आपने दो सौ चौहत्तर पिचहत्तर छिहत्तर और सतहत्तर में पढ़ी वो मिला के आपको एक ही सेक्शन में लिख दी जा रही है टू एटी वन के अंदर और कुछ भी नहीं है बस आप विटनेस की जगह एक्यूज को लिख दो और कोई फर्क नहीं है ये जितने सबसेक्शन बनाए जा रहे हैं टुकड़े तोड़े जा रहे हैं इनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बात वही निकल के आ रही है इन दी एंड वहां पर भी हम यही कर रहे थे कि विटनेस जिस भाषा में गवाही दे रहा था अगर उसको उसी भाषा में लिखा जाना पॉसिबल था तो उसी भाषा में लिखते थे बाद में उसका ट्रू ट्रांसलेशन बनवा लेते थे पर अगर ऐसा मौजूद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था तो फिर कोर्ट की भाषा में लिखते थे उसको बनाते थे उसका सेम चीज़ यहां पे हो रही है 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 बस language का थोड़ा सा फर्क ठीक है। फिर है? फिर वही बात, फिर वही बात बात में जो हमने पढ़ा कि भाई विटनेस को पढ़ के सुनाओगे उसका जो भी एग्जामिनेशन है वो काम एक बारे में भी होगा एक बार जब आपने एक्स का एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड बना लिया मेमोरेंडम डेवलप हो गया तो उस एक्यूज़ को वो पढ़ के आप सुनाओगे कि उसने क्या क्या बोली है और अगर ऐसा है कि जिस भाषा में एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड किया गया है मानो कोर्ट की भाषा है वो एक्यूज़ को नहीं समझ में आती तो ऐसी परिस्थिति में वो उसको इंटरप्रेट करके समझाना पड़ेगा कि भाई देखो आपने ये ये बोला है सेम चीज है एग्जैक्टली सेम चीज अगर विटनेस समझता था उसी की भाषा में अगर रिकॉर्ड किया गया होता था तो उसको पढ़ के सुना देते थे अगर नहीं समझता था तो इंटरप्रेटर की सहायता से उसको समझा देते थे सेम काम एक बारे में भी हो रहा है ठीक है जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी मतलब मेमोरेंडम भी बन गया उसको पढ़ के सुना भी दिया भाषा वाला भाषा वाला ये कॉन्फ्यूजन खत्म हो गया आखिरी में उस पर हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं एक्यूज के और एक्यूज जब साइन कर देता है उसके बाद हस्ताक्षर कर देते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब या फिर जज साहब अगर कोर्ट ऑफ सेशन है ठीक है जब ये पूरा काम हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो जो रिकॉर्ड है वो फुल एंड ट्रू अकाउंट है हमारे एक्यूज की स्टेटमेंट का मतलब एक्यूज का जो भी स्टैंड था किसी भी केस के अंदर अगर आपको उसको जानना है तो आप इस रिकॉर्ड को देख सकते हो दैट इज ट्रू एंड फुल अकाउंट ऑफ द केस ऑफ दूज ये ऐसा कब माना जाता है जब उस पर एक्यूज फाइनली साइन कर देता है और मजिस्ट्रेट साहब भी उसके, उसके बाद उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं ठीक है समरी ट्रायल जो मैंने आपको पढ़ाया था समरी ट्रायल वाली प्रक्रिया आपको याद होगी बच्चे समरी ट्रायल में जब हम किसी एक्यूज के खिलाफ केस चलाते हैं तो उसके बारे में हमको सेक्शन 281 को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अगर आपको याद हो तो समरी ट्रायल का मतलब क्या होता था कि समरी ट्रायल के अंदर हम किस तरीके से ट्रायल चलाते थे जैसे कि वो एक सम्मन केस हो जैसे कि वो एक सम्मन की प्रक्रिया हो तो सम्मन केसेस को कंपैरेटिवली जो सम्मन केसेस की प्रक्रिया बताई गई है वो कंपैरेटिवली लिबरल है इतनी ज्यादा जमखट नहीं है उसके अंदर फॉर दैट रीजन अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ समरी ट्रायल चल रहा है तो आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है सिंपली उसका स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हो और उस पर रिलाय कर सकते हो इफ पॉसिबल आपको ये पूरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जरूरी नहीं अगर इन फॉलो करेंगे तो फिर समरी किस बात का रहेगा ना वो समरी होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए राइट सो दिस इज सेक्शन 281 सेक्शन 281 को एक बार बच्चे मैं आपको रिवाइज uh, करा देता हूं देखो सेक्शन 281 में सब कुछ भूल जाओ ये सब भूल जाओ कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहां पे लिखा है कोर्ट ऑफ सेशन कहां पे लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता बस सिंपल सा इतना सा याद रखो कि कोई भी हो मजिस्ट्रेट हो मेट्रोपॉलिटन हो नॉर्मल हो कोई भी हो जज साहब होने चाहिए या फिर कोर्ट ऑफ सेशन ही क्यों ना बस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए उसके अलावा कोई सा भी कोर्ट हो ये जो कोर्ट है ये क्या करेगा एक्यूज का एग्जामिनेशन करेगा उस एग्जामिनेशन का मेमोरेंडम बनाएगा उस मेमोरेंडम को अगर एक्यूज व्यक्ति की जो भाषा है अगर उसको उसी में लिखा जा सकता है तो उसी में लिखेगा अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कोर्ट की भाषा में लिखेगा जो भी परिस्थिति हो उसको पढ़ के सुनाएगा एक्यूज को कि भाई ये 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 बातें आपने बोली है अगर वो एक्यूज की भाषा में थी तो डायरेक्टली पढ़ के सुना देगा अगर कोर्ट की भाषा में और एक्यूज को नहीं समझ में आता है तो उसको समझा देगा इंटरप्रेटर के थ्रू समझवा देगा ठीक है कोई परेशानी नहीं आता आखिरी में जब ये पूरा काम हो जाएगा एक्यूज़ हस्ताक्षर हस्ताक्षर कर देगा। उस पे हस्ताक्षर कर देगा, देंगे, बस, यही है, भैया यही है सेक्शन 281 इसके आगे कुछ नहीं इसके पीछे कुछ ठीक है अब इसके बाद लास्ट सेक्शन पढ़ा रहा हूं बच्चे इस सेशन का और वो है सेक्शन 282 और सेक्शन 282 बड़ा सीधा सा सेक्शन है आप देख रहे स्टार्टिंग विद सेक्शन 277 और अप टू सेक्शन 281 हमको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ रही है चाहे वो टू रिकॉर्ड बनाने के लिए हो चाहे वो इंटरप्रेट करके समझाने वाली बात हो वी नीड अ पर्टिकुलर पर्सन राइट जिसकी कोर्ट सहायता ले रहा है अब देखो उसका रोल कितना क्रूशियल है क्योंकि वही उस भाषा को जानता है जिसको समझता है या विटनेस समझता है अगर वो थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दे तो बच्चे कितनी दिक्कत और परेशानी हो सकती है आप समझ रहे हो कि कितना क्रूश रोल रीजन ऐसे ही इंटरप्रेटर्स के लिए हमने स्पेसिफिकली सेक्शन 282 को बनाया गया है जो सिंपली ये बोलता है कि जब भी किसी इंटरप्रेटर की सर्विसेज को लेता है कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ मतलब उसकी सहायता लेता है और उससे बोला जाता है कि किसी भी एविडेंस या स्टेटमेंट को वो इंटरप्रेट करे चाहे वो एक्यूज़ को करे चाहे विटनेस को करे चाहे कोर्ट को करे उसकी जिम्मेदारी होती है बच्चे उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रू इंटरप्रिटेशन करेगा ट्रू इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है जो बोला जा रहा है जैसे बोला जा रहा है उसको वैसे का वैसा करेगा अपनी तरफ से कुछ भी उसको इनपुट नहीं करना है He has to be honest. He has to be truthful. जब वो अपने काम को कर रहा है ठीक है ये जिम्मेदारी बच्चे सेक्शन दो के अंदर हर एक इंटरप्रेटर पे थोपी गई है ठीक है अब नेक्स्ट सेक्शन में बच्चे हम लोग टू से शुरू करेंगे छोटे छोटे अच्छा एक ही सेक्शन ठीक है बच्चे मैं 283 को और खत्म कर देता हूँ फिर नेक्स्ट में हम लोग जो हमारा अगला वाला कॉन्टेप्ट कॉन्सेप्ट uh, है कमीशन वाला उससे शुरू कर सकते हैं छोटा सा है कुछ भी नहीं है 283 ये बात करता है बच्चे हाई कोर्ट की देखो अभी तक जो भी हमने सेक्शन पढ़े हैं न, इस के अंदर, section, और अभी तक उनमें से कोई भी सेक्शन बच्चे कोर्ट पे लागू नहीं होता वो सब लागू होते हैं मजिस्ट्रेट्स पे और कोर्ट ऑफ सेशन पे और किसी पे नहीं ऐसा क्यों है क्योंकि जो कोर्ट है वो अपने रूल खुद बनाता है कि उसे किसी विटनेस का एविडेंस कैसे लेना है किसी विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होना है एक्यूज का एग्जामिनेशन कैसे होना है किस भाषा में क्या बात लिखी जाएगी किसको कैसे किया जाएगा हर चीज के बारे में रूल बनाने की पावर हाई कोर्ट के पास खुद है और उसको ये पूरी लिबर्टी दी गई है ऐसी लिबर्टी बच्चे लोअर कोर्ट्स के पास नहीं है रीजन कि ये जो पूरा चैप्टर है ये एक एक डिटेल्ड बात बता रहा है कि आपको अब ये करना है अब ये करना है अब ऐसा करना है अब वैसा करना है तो जितने भी लोअर उनको ऐसा ही फॉलो करना पड़ता है पर हाई कोर्ट अपना रूल खुद निर्धारित करता है सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ऐसा ही है पर यहां पर हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं तो हाईकोर्ट की ही करेंगे कि हाईकोर्ट अपने रूल्स खुद डेवलप कर सकता है कि वो इन्हीं चीजों के बारे में किस प्रक्रिया को किस भाषा के अनुसार कैसे क्या चीज करेगा तो प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट है हाई कोर्ट का एस फार एज द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ऑफ 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 और मतलब जो टेकिंग एविडेंस वाली बात है ना रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वाली जो बात है इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में पूरी लिबर्टी है हाई कोर्ट के पास और वो अपने रूल्स के हिसाब से ही चलता है इसको कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर को फॉलो करने की ठीक है क्शन टू एटी 283. तो इसी के साथ बच्चे हमारा ये जो चैप्टर है इसका जो पहला कॉम्पोनेंट है, है एक बार आप सभी लोग क्लास के खत्म होने के बाद इसको जरूर रीड आउट करिएगा धीरे धीरे कान में सुनाई देना चाहिए समझ में आना चाहिए अब जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं इसी चैप्टर का सेकेंड कॉम्पोनेंट जो विटनेस को कमीशन इश्यू करने के बारे में है उसको मैं समझाऊंगा तो आप सभी लोग टाइम पे आ जाइएगा आई सी यू एट बाय बाय थैंक यू सो मच